जितने डिसिप्लिन्ड गुंडे फिल्मों में होते हैं वो हाइट वाइज लड़ने आते हैं, लाइन में अपना खड़े हुए, या तो हीरो ने नाम सुना था आकाश, अभिनव, राजेश, शुभम, इतना ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेटेड। जब तक हीरो कभी तो बंदे एक साथ नहीं आते लड़ने, जब तक हीरो की गन में गोली है हाँ। सब गोली से लड़ेंगे, सब गोली से गोली खत्म हुई, सब भाई फेयर प्ले हीरो पे गोली नहीं, हमारे पास गोली साइड रखो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हूं शुभम। क्या साउंड इफेक्ट के साथ भाई, और दोस्तों बहुत खुशी का मौका। अरे नहीं भाई नहीं, उठा के ले जाएंगे। पर इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर बम किसी ने बनाया है, सो व्हेन यू गो टू टेररिस्ट क्लासेस बट यू आर अ बैकबेंचर, तो फिर आप ऐसा वाला बनाते हैं। पर भाई इससे फील आ रही है। पर इसी से याद आता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दो हमारी यहाँ से बातों की सुनवाई हो रही है। बहुत खुशी की बात है, मिठाई बटनी चाहिए इसको, हमने पार्टी भी अपने ऑफिस में आज। अगर किसी को लगता है कि हमें 1-1.5 लाख देखते तो उसमें 3 लोगों ने हमें पता चल गया, पता लग गया। और वो 3 ऐसे नहीं हल्के फुल्के आदमी, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आज जो नीचे कमेंट में शाउट मांगते हैं, कोई चक्कर नहीं भाई। सोचना कोई मुकेश अंबानी अपनी आईडी बना के आ रहा है सोनू एंटरटेनमेंट, भाई शाउट आउट प्लीज, हो सकता है। तो एक यहाँ से आवाज निकली थी कि अग्निवीर और ये सब नौकरी मांगना सरकार से बंद हो जाएगा अगर आप अपने बाप से हिस्सा मांग लोगे समय रहते। भाई साहब ये कार्रवाई कर दी आकाश अंबानी ने, सीधा हिस्सा। सोचो कौन देख रहा है हमारी, भाई सोच तो, हो सकता है मुंबई इंडियंस की खराब प्रदर्शन के लिए हम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आकाश भाई को तो हमारी वीडियो की लत लग गई है। वो तो सुबह शाम वो तो लिखते हफ्ते में एक तो 3 रिव्यूज तो डाला करो। आकाश अंबानी लिखता है रियल रिव्यू स्टार्ट्स एट 10:24। आकाश भाई तो यहाँ लगे हुए हैं, वहाँ उधर मुंबई इंडियंस के लगे हुए हैं, अब लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई है। चेयरमैन और जो पेरेंट कंपनी है उसके चेयरमैन अभी भी पप्पा ही हैं उनके। और दूसरी बात जो हमारी सुनी गई, इसी मंच से हमने एक मुहिम चलाई थी, एक पॉजिटिविटी मुहिम चलाई थी, बॉडी पॉजिटिविटी थी इन इट्स ट्रू सेंस। हमने कहा था जैसे छोटा है हाँ, लेकिन अपना है उसको सम्मान से कबूल करो, प्राउड बनो। इसी मुहिम को समर्थन दे दिया है योगी जी ने, और आउट ऑफ नोवेयर। सोच योगी जी का अगर मैं ट्विटर हैंडल देखूं तो काम से काम रखते हैं अपनी हाँ। योजनाएं बता देते हैं हाँ, वो योजना वगैरह बताते हैं, किसी को बधाई वगैरह देनी होती है वो कर देते हैं, कोई फ्राइडे को बलवा करे तो बता देते हैं हाँ, कि तेल पूरा है मेरी बुलडोजर में और एवरेज अच्छा दे रही है हाँ। और लेकिन उन्होंने अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक फ्राइडे आफ्टरनून, उनको पता था फ्राइडे को शूट करने आते हैं लड़के, तो मैं जरा अपने इनको और समर्थन दे दूं। और ये एकदम वैसा समर्थन है कि हम समझ भी गए और लोग ऐसा लिख रहे हैं, भाई आपको लिखने की क्या जरूरत थी, लगाने वाले दिमाग लगा रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं क्या, किसको कह रहे हैं, संजय राउत पे तंज तो नहीं कस रहे, क्या कह रहे हैं, हमें पता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर। और अब ये देख रहे हैं आमतौर पे क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स सरकार की स्कीम को सपोर्ट करते हैं, यहाँ क्रिएटर्स की मुहिम को खुद सरकार सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच। और मैं दर्शकों से भी चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में उनका धन्यवाद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो भी देख रहे होंगे ना, कमेंट भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल यार, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था हाँ। दिस इज द मोटिवेशन बॉयज डिजर्व, Yes. कि किसी को छोटा मत समझो। धन्यवाद सर। भाई कोई निधि कोई अंजलि छोटा बोल के जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और खबर आई है भाई, अखंड उत्तर प्रदेश के जर्मनी के सीन है, वो जर्मनी के सीन है, समिट में गए हुए थे हमारे, वहाँ गए हुए थे। और जो लोग भी भाई कुछ भी कहते थे उनके बारे में, जो लोग कहते थे कि भाई कोई इज्जत इज्जत है नहीं, लौंडे हवाबाजी है, ये तो पीआर है भाई साहब, जो छाती चौड़ी हुई है ना हमारी। मोदी जी तो अपना मस्त किससे, वो कनाडा वाले से मिल रहे थे भाई, मस्त उससे बातें चल रही थी उनकी, तो और कनाडा में की हाल चाल भी रही उनका तो उधर हाँ, उससे उसकी मदर टंग में ही बात कर रहे होंगे ओ बीरे नवा गाना सुनिया कि नहीं तू हाँ। उससे कुछ पूछ रहे होंगे कि आजकल भाई मेरे एपीडे ठीक है कि नहीं है, ये सब उससे बात बात कर रहे थे। पीछे से आया भाई ऐसे वाइड अटेंशन सीकर, उसे पता है भाई मोदी जी जाओगे वहीं कैमरा होगा, मोदी जी का तो साफ है मेरे इससे, मेरे देश को इज्जत देगा तो ठीक है, कि तेरे कैमरे नहीं देखे अपन, 4 लेके आए, अपने लेके आए भाई, वो तो 4 देखेंगे मेरी तरफ। उसने सोचा होगा कि पहले मना लूं अपनी वीडियो वहां से कट जाएगी जब हाथ मिला रहे होंगे, पर बेटा मोदी जी के कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है, साफ पकड़ा गया कि तू कैसे उनसे कह रहा है कि मेरे भाई मुझे भूल गया क्या, मैं चक नहीं देखा भाई, और मोदी जी ने प्रॉपर असर दिया कि वो है भाई, वो वीडियो डिपेक्ट करती है नए भारत को, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई भाई, रोज व्हाट्सएप के रोज सुबह स्टेटस होना चाहिए भाई, वो तो हमारा मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है। अच्छा आज दोस्तों 1 जुलाई और जीएसटी दिवस भी है, जीएसटी दिवस है, पूरी सेलिब्रेशन हो रही है दिल्ली में, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, आज के दिन ही कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ा दी गई, बढ़ा भी दी, सेलिब्रेशन ऐसी तो होती है, ऐसी होता है, उन्होंने तो अपना देखा ना कि हमारा किसमें फायदा है, किस बात की खुशी है, बढ़ा दिया फ्राइडे।
जीएसटी जीएसटी बढ़ाओ यार। और आज 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 जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सीए डे भी है, डॉक्टर्स डे भी है। वाह, सीएस को अपना सोच रहा अलग डे भी नहीं मिला, उन्हीं के साथ तूने उधर ही डॉक्टर्स डे के लड्डू बट रहे हैं, वहीं लग जाओ, चलो लाइन। अच्छा सीए भाई कोई मौका नहीं छोड़ दे, गाड़ी के पीछे स्टीकर, नाम के आगे सीए, और बात बात में आपको की रिक्शे वाले से पूछा था एक सीए तो टैक्स बढ़ते हो, मैं बचवा दूंगा घर जाएंगे मेरा इसमें 20 मांगा था तूने दिए। हाँ 20 रुपए की सवारी में तू ये कर रहा था, एक और बिठा लो भैया शेयरिंग कर जाएगी, टैक्स बढ़ता हूँ मैं। तो ये उनका बड़ा रहता है भाई, वो पकड़ पकड़ के बताते हैं कि वो सीए है, अब वही है जो बन जाते हैं 80 में से 10। हमारा दिवस क्या है, कब है हमारा, हम किस कैटेगरी में, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा कैटेगरी बच्ची का कोई दिवस क्या, हमारा तो हर दिन ही हमारा है, पूरा देश सेलिब्रेट करता है हमारा दिवस, और क्या देशभक्ति कर रहा है भाई, कर ही रहा है, फुल चल रही है भाई। तो ये तो हुई यूएस की बात, इंडिया में तो दोस्तों भाई फिल्में चल रही हैं, आप ये देख के समझ गए होंगे। ऊपर ऊपर से हमारे प्रोडक्शन हाउस ने नाम पढ़ा राष्ट्र कवच ओम, तो ये लगा भाई पीरियड ड्रामा आ गया एक बार, कवच लिया जोधा अकबर के जमाने से यही चल रहा है, जोधा अकबर फिल्म के जमाने से नहीं, जोधा अकबर बीरबल साहब ने पकड़ा था ये बाकायदा लड़ाई में, बीरबल साहब इस पे रोटी बनाते थे, वो आया अकबर, भाई साहब कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे लड़ाई में आगे चाहिए तो इसका बनाता ही हूं ये ले जाओ भाई। और मैं ये सच में देखता हूँ राजाओं को दो ही काम होते थे भाई, शादी करना, लड़ाई करना, ये तो अपने बीरबल बादशाह थे कि तीन दिन तो उन्होंने मुगल बादशाह खिचड़ी में खत्म करा दिए, तीन दिन में तो कितनी शादियां और कितना क्या क्या कर लेता वो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं फाइनली उस भाई के लिए जो आकाश भाई कमेंट करते हैं, रियल रिव्यू स्टार्ट से 10:24 आज का पता नहीं कितने पे चालू हो रहा है लेकिन अब चालू हो गया है। तो हम फिल्म देख के आए राष्ट्र कवच ओम और मुझे लगी राष्ट्रीय आपदा ओम, मतलब आधी फिल्म तो समझने में लगी क्या हो रहा है, और आधी समझ में लगी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं। और ऐसी हमारे तो वो रीजन भी नहीं था, जैसे हम ऑफिस आए दो तीन लड़कियों ने तो ये पूछा कि आदि रॉय कपूर कैसा लग रहा था, हमारा वो भी नहीं था, हमारा भाई वी आर वन मैन मैन, अपना तो क्लियर है, कोई चीटिंग कोई कुछ नहीं, जरा उसकी बॉडी देखता था मैं यूं कर रहा था भाई, इसकी भाई हमारी क्या कम है, कम है क्या, और यार और ये कोई ऐसा नहीं कि टॉक्सिक है, ये होना चाहिए भाई, इतना तो बंद के रहना चाहिए आदमी को, और क्या रिश्ता और किस चीज का नाम है भाई, भाई कबीर सिंह से हमने क्या सीखा था, यही तो सीखा है, सीखा था हमने ये मेरे मारे मैं इसके मारूं, रिश्ता ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है। और वो लव बाइटी क्या जो हंस से न दी जाए कि मतलब ऐसे छपे, ये तो उसके डायरेक्टर ने भी कहा था, अच्छा अगर आप अपने लवर को मार नहीं सकते तो किस बात, हाँ भाई और क्या, हम तो आज से उनकी बात मान के चल रहे हैं उस दिन से। फिल्म में लीड रोल में है भाई लड़कियां, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे इन्हें प्यार से डैडी बुलाती है, हाँ बुलाती है ऐसा मैं कह भी नहीं रहा हूँ, हाँ मैंने भी देखा है जब अभी अपना ये प्रमोशनल वीडियो, प्रमोशनल नहीं जैसे वो था क्या कहते हैं अभी आलिया रणबीर ने अनाउंस किया तो लड़कियां इसको कह रही थी तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो, हाँ अरे ऐसे लड़कियां ऐसे लिख रही थी अभी, एक हाथ से स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही है और इस हाथ से कमेंट कर रही है, ओ गॉड आई फील लाइक गेटिंग प्रेग्नेंट सो बैडली राइट नाउ, ऐसे मन कर जाता होता है लड़कियों का, और लड़कों का कभी नहीं कर सकता भाई बाप बनने का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बाप बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम बता भी चुके हैं कि टॉक्सिक कैसे नहीं होना है। ये जो है आदित्य रॉय कपूर, इनको ऐसे डैडी, और लड़कियां लड़कियां मैं देख रहा हूं तीन चार लड़के भी लिख रहे हैं, लग सकते हैं उनको भी, बट यस आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म के लीड रोल है और वो बने हैं ओम जो कि है सुपर एजेंट, सुपर एजेंट सीक्रेट एजेंट, हाँ। सुपर स्पाई, सुपर एजेंट ही आर्मी मैन, पता नहीं क्या है, सुपर मैन ही है वो, सुपर हीरो है, सुपर हीरो, सुपर हीरो है जो अग्निवीर नहीं है, प्रॉपर जॉब है उनकी आर्मी में, हाँ, ये तो दिखाया नहीं कि अग्निवीर से भर्ती हुए थे कैसे हुए थे, अब जो अगले साल से फिल्म आने लग जाएंगी पार्ट टू बनेगा, हाँ उसमें फिर दिखाया करेंगे कि कैसे अग्निवीर नॉर्मल आर्मी वालों से बढ़िया है। बट एज कमिंग बैक फिल्म में हीरोइन के नाम पे है संजना सांगी, और संजना सांगी मुझे लगता है दोस्तों इसीलिए एग्जिस्ट करती है कि आपको तारा सुतारिया बेटर लगे, इतना खराब काम तो किया उसने लिटरली इसमें, वो भी सुपर एजेंट ही है और डॉक्टर भी है, वो डॉक्टर भी करती है, फाइट करने पे आती है तो तगड़ी फाइट भी कर लेती है, दिमाग भी चला लेती है, स्लो मो में उड़ उड़ के मारती है, भाई साहब 5-7 लौंडे मार दिए उन्होंने अकेले ही, हाँ फिर गन निकाली, हाँ फिर गन किसी को नहीं मारा, गन से किसी को नहीं मारा, लाते ही चलाई अपनी, फिर लाते गन के बाद दिखी नहीं, गन निकाली क्यों पता नहीं है समझ नहीं, हाँ उसके तो गायब ही हो गई थी, मैं वही बता रहा हूँ शी एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली टू मेक तारा सुतारिया लुक अ बेटर एक्ट, वो इनसे तो बेटर है, तो वो है। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर है आशुतोष राणा, जो बने हैं जय राठौर, वो एक सीनियर पोजीशन में है, पहले एक्स आर्मी और अभी रॉकी स्पेशल विंग जो जिसके कोफाउंडर है, वो उन्होंने वो विंग शुरू कराई थी, हाँ। किसके साथ मिलके, प्रकाश राज के साथ मिलके, जो एक और सीनियर ऑफिसर है, उनका नाम है मूर्ति, बिकॉज और क्या फर्स्ट थॉट नेम आएगा आपको अगर किसी को साउथ इंडियन दिखाना है, 2022 में भी मूर्ति, ये पहले चलता था, अभी मूर्ति से ज्यादा 5 साउथ इंडियन नाम के नहीं हो,
और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसका नाम जयसूर्या नहीं रखा, मूर्ति रखा। प्रकाश राज का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले CDS वो ना बन जाए भारत के, जिस हिसाब से भाई वो लीड कर रहे हैं सेना को, अटैक हो गई, ये हो गई हर फिल्म में स्पेशल वो होते हैं जो ऑपरेशन होते हैं, हाँ, सब में प्रकाश राज के हाथ में कमांड होती है, महारत हासिल हो चुकी है उन्हें। सोच वहाँ पाकिस्तान में 4 लोगों की प्रकाश राज से पड़ रही है कि भाई बाकी सेना को तो संभाल लेंगे, इस आदमी को बड़ी नॉलेज है यार, इसके इसके एडमिशन हर बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके अलावा भाई फिल्म के अंदर जैकी दादा भी हैं, और जैकी दादा को ऐसे दिखाया गया है कि उनका कुछ रिश्ता नाता है अपने ओम से, और उन पे ऐसा संदेह है कि वो गद्दार हैं, गद्दारी की है उन्होंने क्योंकि वो कुछ चीज़ बना रहे थे और अब गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। उनके कैरेक्टर का नाम है देव राठौर, और उनके अलावा और जितने काम उनके दिखाए जा रहे हैं सारे दानवों वाले हैं। देव वाला तो एक ही काम किया है कि उन्होंने बना दिए एक सामान, अब उसके बाद वो जो जो कर रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में शुरू होता है कि अपने जो हीरो है ओम, किसी अपने हीरो और कुछ लड़कियों के डैडी, मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है, हाँ, और 3 लड़कों के भी, मैंने 3 लड़कों को देखा था, उनका भी ले दो। हाँ, वो एक मिशन पर है, एक बोट के ऊपर है, पता नहीं क्या लेने गए हैं, वो बाद में पता लगता है, फुल फायरिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट एकदम मिशन खत्म होने वाला होता है। इस बोट की मैं खासियत बता दूं आपको दोस्तों, ये पानी पे है, बट दिस इज द मोस्ट स्टेबल बोट एवर। पानी पे हर बोट हल्की फुल्की तो मतलब डगमगाती भी नहीं है, तो एक ये मूवमेंट तो रहता है, जैसे अगर आप ट्रेन का भी शूट करते हो तो बंदा अपने आप ही ऐसे मोशन दे देता है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तो चलो इतना नहीं कैमरे पे दिखना चाहिए। yes. ये तो ऐसे लग रहा है कि बोट नहीं है, ये बोट का एक स्पीकर है जो एकदम सीधा रखा, उस पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बड़ी एक्शन हो रहा है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं आ रही, कहीं से कुछ नहीं आ रही, फाइनल राउंड अपना जीतने वाला होता है, उसे गोली लगती है इधर, हेयर स्टाइल बन जाता है पर तुमने देखा कूल लग रहा है ये हेयर कट, मेरे को नीचे भाई कैंची से ही ठीक है, कैंची से ले लो। हाँ। और सबको पता है कि पहले सीन में हीरो को चोट लगी तो मर तो बच जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि फिल्म उसकी है, तो बाद में पता चलता है कि बेसिकली ये सरकार के एक बहुत बड़े एजेंट हैं जिनकी जान के पीछे, और ये वही एजेंट है। शिट, इस मिशन को अब कौन करेगा? हाँ। ओम करेगा। और बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि बेसिकली अपने ओम का इतिहास क्या है वो पूरा बताया जाता है, और सारी डील इस बात पे लेके आ गई है कि न्यूक्लियर हथियार तो हर देश के पास है, लेकिन हमारे देश ने बना लिया कवच, जो न्यूक्लियर हथियारों का अगर हम पे हमला होता है तो उससे हमें बचाएगा, ऐसा कवच बन रहा है। लेकिन बनते बनते गायब हो गया है, जो बना रहे थे वो गद्दार हो गए, तो अब ये सारी जिम्मेदारी यही है कि वो कवच, वो टेक्नोलॉजी जिसकी ब्लैक मार्केट में ऐसे ऑक्शनिंग हो रही है बाकायदा, अपने एजेंट को अपनी टीम के साथ जाके मिलके बचाना है। और सिद्धार्थ टीम भी बहुत क्लीशे है, टीम भी बहुत क्लीशे है, और जो अपना हीरो है ओम, इसकी भी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा है जिसको इसको भी एक और क्लीशे सुपर एजेंट थिंग, कि जब ये अपने प्रेजेंट में ऑपरेट कर रहा होता है एजेंट, तो उन्हें बैक लाइफ का एक ट्रॉमा होता है, और उसी ट्रॉमा ये तो हमने किसी शो में हमने देखा ही नहीं है, ये तो कभी, और बिल्कुल ट्रॉमा का अबस्ट्रक होता है कि जो बंदूक अब एकदम तान दिए और तभी फ्लैशबैक का एक सीन आया, ऋषि ऋषि मुझे बचा लो ऋषि ऋषि, और यहाँ नसें एकदम फटने को तैयार, मेरी तो बॉडी इतनी अच्छी है नहीं, इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, नसें मेरी दिखेंगी नहीं, बट वो नसें आ जाती हैं, अपने आप को चर्बी बोल दिया, क्या बोलूंगा था, जो मर्जी बोले, मोटी बोल लो मुझे यार, मैं कोई दिक्कत नहीं यार, लोगों को लगे कि हम ग्रेट नहीं है, हिपोक्रेट भाई, जो मर्जी बोल रहे हैं बोलो, हमें यह दिक्कत है। सब कुछ क्लीशे है दोस्तों इस फिल्म के अंदर, वो बंदा एक हर टीम में, एजेंट की टीम में एक बंदा होगा, एक कान में एयरपॉड लगा के, और अच्छा वो एयरपॉड भी उस कान में होते हैं जिस साइड कैमरा नहीं होता, अगर कैमरा इस तरफ है तो इस तरफ, हाँ, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, हाँ, एक उंगली लेते हैं ऐसे डाल देते हैं, हाँ बोलो इधर हो, और इसमें तो इतना आसान दिखाया है कि जैसे एक बार उनका एक सीन है, वो आते हैं कि मुझे वहां की फुटेज चाहिए, फुटेज तो ऐसे जैसे गूगल पे फेसबुक लॉगिन, और ये तो मुझे पता कितना, हाँ, मतलब ये तो हाँ, चीज है या हाँ, क्या है मतलब, हाँ, बनाने वाले क्या कर रहे हैं, तो दुनिया के कैमरे कैसे हैक हो जाते हैं कहीं के, हाँ, यार इतना इजी होता है क्या ये, कोई बैठता अच्छा वहां का कैमरा चलाना, हाँ, अब मेरे हाथ में आ गया, तो फिर तो कैमरे का पर्पज लिटरली लगता है कि दूसरों को सर्व करने के लिए बने, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे हाथ में आ कौन रहा है, मैं आज यहाँ CCTV लगवा रहा हूँ, FBI साहब आपका जब मन करे तब देख लेना, मैंने लगवा के अपना काम कर दिया है, अब मेरे घर में झांकना आपको मुबारक, आप तो 4 बटन दबाओगे, हाँ, सब आ जाएगा, सब तो आ जाएगा, हमें पैसे लगा के यहाँ लगा रहे हैं, इतने कैमरे कहाँ से बन रहे, यही समझ नहीं आ रहा भाई, वो बोलता मुझे वहां की फुटेज दो, हाँ ये ले आ गई, हाँ, सब कुछ इतना आसान, इतना स्मूथ कर दिया भाई, इतनी बड़ी बड़ी बंदूक है, वो डैडी आदित्य रॉय कपूर ऐसे चला रहे, दीपिका पादुकोण नहीं चला, मलमल की कुर्ती गुलाबी, उसमें उसने पिचकारी में ज्यादा मेहनत दिखाई है, इसने तो ली बंदूक और पूरी पिक्चर लगा लड़ा कपड़े पहन के,
क्लाइमेक्स में बिकॉज अदिति को स्क्रीम भी करना था ताना ले ये भी उतारी। अच्छा, ऐसे हीरो के खुद नहीं उतारते वो हाँ। वो ऐसे होते चार लौंडे चिपट जाते हैं ना मारने के लिए। हाँ, वो चारों से कोई फाड़ रहा है, कोई उधर से कोई फाड़ रहा है। और एक्शन सीक्वेंस भी वही वाले दोस्तों एकदम ऑब्वियस भाई वाले कि हीरो बंदूक लेके आया तो बंदूक तो यूज करेगा नहीं। और भाई साहब जितने डिसिप्लिन्ड गुंडे फिल्मों में होते हैं वो हाइट वाइज लड़ने आते हैं लाइन में अपना खड़े हुए, या तो हीरो ने नाम सुना था आकाश अभिनव राजेश शुभम, इतना ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेटेड। जब तक हीरो कभी तो दो बंदे एक साथ नहीं आते लड़ने, जब तक हीरो की गन में गोली है हाँ। सब गोली से लड़ेंगे, सब गोली से गोली खत्म हुई सब। ओ भाई, फेर प्ले हीरो पे गोली नहीं, हमारे पास गोली साइड रखो ठीक है। केजरीवाल ज्यादा ईमानदार तो ये लोग लग रहे हैं। गलत नहीं है कि अब तू देख रहा है कि एक लौंडे ने है थोड़ा बहुत डोला है उसका, पिटने वालों का भी कम थोड़ी था, इतने लड़के पीट दिए तो तू भी सोचा चार पांच तो पीट ही दूं। अब पहला पढ़ते कान सुन हो जाता है हाँ, विलेन का तो अपना भी हो जाता है। और क्या क्या पता लग रहा है फिर नहीं पाता। और दूसरी इन सुपर हीरो की खास बात ये और होती है सुपर एजेंट्स की, इनको यहाँ से हेयर कट वाली गोली लगी ठीक है, इनको सारी चोट लग गई, लेकिन जिसके साथ इतना सब हुआ बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी, ऐसे लग रहा है कि जिम से सीधा अस्पताल आया है। से कोमा हाँ। में। लेकिन डोले उसके उतने टाइट है। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा भाई हमारा देश इतना सुंदर नहीं है, ये कौन सुंदर होता सारे अपराधी हमारे यहाँ रह रहे होते। और भाई पुलिस वुलिस क्या करती है, पहले तो हम देखते थे कि विदेशों में पुलिस दो मिनट में आ जाती है नहीं, और अभी भी कोई हमारे विदेश घूम के आता है तो ये बोलता है मैं वहाँ यहाँ की तरह नहीं है भाई, वहाँ तो रेड लाइट आपो तुरंत पुलिस आ जाती है चालान काट के चली जाती है, यहाँ तो बड़ी बड़ी टेस्ट हो रहे हैं और वो भी मोस्ट सीनिक जगहों पे। और कौन कर रहा है, जैकी दादा। जैकी दादा ये पोलियो की लाइन नहीं पड़ी गई थी उनसे ठीक से, मौशीची हो गया था हाँ। मौशीची का सॉरी। और वो वहाँ विदेश में जाके मस्त अपना मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, बना दिया उन्होंने। आर्मेनिया की पुलिस क्या कर रही है, या तो वो ये भाई आर्मेनिया वर्मेनिया में भी जे एन यू होगा, पुलिस उन्हें हैंडल करने में रह जाती होगी। एंड में पूरा का पूरा एक मतलब क्या किला विला तबाह कर दिया है, एक अकेले लौंडे ने आके हाँ। पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अभी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि अपने फिल्म में कमियां नहीं गिनाई है तो सब कुछ बहुत ही क्लीशे है, ओवरऑल तो यही है भाई, कोई फील नहीं है कि आपको किसी एक्शन सीक्वेंस में नहीं लगेगा कि ओ भाई ये क्या हो गया भाई। लिटरली फिल्म में पहली मिसाइल आके गिरी इसके मुंह से निकला, इससे अच्छी तो शक्तिमान में गिरती थी। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आप देखोगे आपके दिमाग में भी यही आएगा, इससे अच्छा तो शक्तिमान में दिखा था। बहुत सच में मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाते कि ग्राफिक्स कैसे बनाए वो इससे अच्छी बना लेते हैं। बिल्कुल यार, इतनी नकली मिसाइल गिरी, कोई इमोशन आपको फील नहीं होगा कहीं पे, आपको लगेगा नहीं ओ शिट ये कैसे मर गया या ये कैसे बच गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। म्यूजिक में कोई मजा नहीं है, एक एंड में एक बीच में एक गाना आता है, क्या है वो गाना, गाना काला शाह काला। अच्छा एलना नेरोजी भाई, उन्होंने बैक टू बैक दुकान खाली करवा दी है नोरा फतेही की। भाई साहब मेरे को टेंशन होने लगी, पहले अच्छा उनका पीछे से शॉट आया। अच्छा मैं कंफ्यूज होता हूँ, जो बोलता है गैसू में हाँ वही तो एलनाज बोलूं या नोरा बोलूं, पीछे से शॉट आया तो हमें लगा कि भाई कोई डांस कर रहा है मटक मटक के, तो अब तो फिल्म फेयर ने हमें तो ये सिखाया गैस कि अपना नोरा फतेही होंगे वो बिंदास नोरा पे टिक लगा दो आंख बंद करके नोरा पे टिक, हम फेल हो गए वो पलटी तो वो निकली नोरा एलनाज नरोजी। तो यही है जो है फिल्म के बारे में, तो भाइयों और थ्री थिंग्स लाइक डिसलाइक हम बता नहीं पाएंगे। अरे बता दी डिसलाइक हमने, लाइक की कुछ है नहीं, सब डिसलाइक किए, लाइक में हमारे पास कुछ है नहीं। आ चुके हैं हम रिव्यू के अंत की तरफ, आपसे मांगेंगे भीख, लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बात करेंगे, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारे सीजीआई वाले को करना आता होगा तो उड़ा देगा, उससे बेटर कर देगा यहाँ जो भी आप ये देख रहे होगे ना धुआं धुआं सा, ये बेटर है गाइज़।